आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Which statement is wrong about ozone layer? पूछा गया है कि ओजोन लेयर के बारे में इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है। पहला है बैड ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर और ट्रोपोस्फीयर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बैड ओजोन के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं कि ऐसा ओजोन लेयर जो कि नीचे साइड लोअर एटमॉस्फेयर में फॉर्म होता है, और ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है बहुत सारे बीमारी को, जैसे मेनली कैंसर, एस्थमा और स्किन डिजीज को। बाकी जो ओजोन लेयर होते हैं वो मैक्सिमम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किससे, हार्मफुल यूवी रेज से। नेक्स्ट है द थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डॉब्सन्स यूनिट। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, डॉब्सन्स यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो कि मेजर करते हैं ओजोन के थिकनेस को। अगर हम लोग अभी के डॉब्सन यूनिट का बात करें तो 300 डॉब्सन यूनिट जो है वो थिकनेस है ओजोन लेयर का, जो कि नॉर्मली 3 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इज CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये मेनली रेफ्रिजरेटर और AC से रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद क्या होता है, ये होता है कंपाउंड CFC का, जहाँ पे 3 क्लोरीन, 1 कार्बन और 1 फ्लोरीन रहता है। और जब यूवी रेज इन पे इफेक्ट करते हैं तो क्लोरीन जो है ये क्या कर देता है, बाकी पार्टिकल से निकल जाता है, और ये फ्री क्लोरीन फिर इफेक्ट करता है ओजोन लेयर को जो कि एटमॉस्फेयर या फिर ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं। और ये ओजोन लेयर पे इफेक्ट करने के बाद ये क्लोरीन जो है फॉर्म करता है CLO, क्योंकि एक ओजोन का मॉलिक्यूल या फिर ऑक्सीजन वो खींच लेता है और बनता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि O2 है। ऐसे ही ये पूरे ओजोन लेयर को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिसके वजह से ओजोन होल जो है वो भी फॉर्म हो चुका है। और इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि यूवी रेज जो है सन के वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आने लगे हैं। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड एट द मॉन्ट्रियल कनाडा इन 1986, इफेक्टिव इन 1988। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये साइन किया गया था ईस्ट अफ्रीका में साइन किया गया था, और जो प्लेस था उसका नाम था रवांडा। और जब साइन किया गया था वो 1986 नहीं था, इंस्टेड ये साइन किया गया था 1987 में, और जो इफेक्टिव हुआ था वो हुआ था 1989 में। इसलिए लास्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है और उसको हम लोग टिक कर लेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।